Hello friends, today I will be show you how to determine the support reaction, normal thrust, radial shear in a parabolic arch. ठीक है, जैसे कि दोस्त तुम देख रहे हो यहाँ पे कि ये hinge है, arch जो है वो hinge है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो reaction होंगे hinge में, हमें पता है. ये हो जाएगा हमारा एच ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारा एच बी हो जाएगा, ये हमारा वी बी हो जाएगा, ये हमारा वी ए हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो होता है वो लिख कर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको. ये होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव. ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पे रिएक्शन निकालना. तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एच ए इधर जा रहा था पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जा रहा है ये एच बी तो माइनस हो जाएगा, एच बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो एच ए इक्वल टू एच बी हमने कंसीडर कर लिया. ठीक है, ले लिया एच, कंसीडर कर लिया हमने. ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए ये प्लस वी बी ये, और माइनस में ये नीचे आ रहा है डाउनवर्ड में, तो ये हो जाएगा हमारा 20. और क्योंकि ये यूडीएल है इसलिए यहाँ पे जो इसका टोटल लोड होगा इसे कंसीडरेटेड लोड में चेंज करने के लिए हमें जिसका जो स्पेन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें. ठीक है फ्रेंड्स, हाँ अब वहाँ पे कंसीडरेटेड लोड है तो इसे 100 हो जाएगा इक्वल टू जीरो. तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 500 आ गया. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो करेंगे वो मोमेंट अबाउट बी लेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो एम बी इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा. तो एम बी हमने यहाँ पे मोमेंट लिया है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी इसके पैरेलल में है तो ये भी 4-0 हो जाएगा. तो बचेगा हमारा वी ए, पी ए से क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसलिए यहाँ पे वी ए प्लस का हो जाएगा, और इंटू यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इसकी 40 है. ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखेंगे हम इसके बाद 100 ये है 20 यू डी एल, तो ये हमारा यू डी एल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस यू डी एल को 20 इसका वो है स्पेन जो यहाँ जिससे फैला हुआ है ये 20 हो जाएगा, और इसकी डिस्टेंस जो हमारा ये हो जाएगी यहाँ से ऐसे ऐसे. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 30 × 30. ठीक है फ्रेंड्स, ये माइनस 100 नीचे है तो 100 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये है 10, तो इंटू 10 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0. ठीक है फ्रेंड्स, अब वी ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, वी ए इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 325 किलो न्यूटन. ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम वी ए निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे हमने कैसे लाइन खेलिए. ठीक है, हमारा जो वी ए निकल गया तो हमारा इसी इक्वेशन जो हमारा था ये फर्स्ट, तो इस यहाँ से हम वी ए निकल जाएगा हमें वी बी, वी बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 500 माइनस 325 175 किलोमीटर. ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वी बी आ गया. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये हमने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे डी है, यहाँ पे हमें निकालना है नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर. इसका यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना लिया. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ऐसे ये ऐसे हिंज है, ये पॉइंट डी है, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल शियर, और ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल शियर, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल शियर, और ये हो जाएगा हमारा क्यू रेडियल शियर. ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे है कुछ, और ये हमारा पॉइंट डी है. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, स्टेप सेकंड है थीटा निकालना. ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए जैसे कि ये है ऐसे ऐसे, और ये हमारा डी पॉइंट है, यहाँ से ऐसे है. ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा थीटा है, इसे निकालना है. तो इसको निकालने के लिए मैं आपको डायरेक्ट एक फार्मूला बताता हूँ जो बहुत ईजी है. पहले हमें आर निकालना पड़ेगा, यानी कि ये रेडियस ये है, ये रेडियस है हमारा आर. आर निकालने के लिए फार्मूला होता है एल स्क्वायर अपन 8 एच प्लस एच बाई टू. ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया
40 हमारा स्पेन हमें पता है और 8 इंटू 8 हमारा वो है h प्लस 2, तो ये हमारा r आ गया फ्रेंड्स 29 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू होता है कि हमारा थीटा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से साइन इनवर्स 10/29। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 29 से, ये हमारा आ जाएगा 20.171 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा थीटा भी निकल गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा फ्रेंड्स वो है बट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, तो हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं मुझे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा मोमेंट अबाउट सी, यानी कि हम ये सी हमारा जो पॉइंट है ना, ये फ्रेंड्स ये हमारा सी पॉइंट है, यहाँ पे हम लेंगे मोमेंट एट एम सी एट क्राउन इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे हम जीरो लेंगे तो यहाँ पे ये बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव जाएगा, बी इन बी, इसकी डिस्टेंस यहाँ सी पॉइंट से कितनी है, 20 है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये नीचे आ रहा है तो इसलिए निगेटिव का हो जाएगा लोड, और इंटू यहाँ से सी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस फ्रेंड्स 10 है। ठीक है, और यहाँ हमारा जो एच है जो निकालना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, वो इंटू ये स्पेन जितनी है इसकी, ओ सॉरी राइज जितनी है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब वी वी इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 325 किलो न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा गलती हो गई, मुझे यहाँ पे वी वी इंटू 20 होगा ना फ्रेंड्स, आपको बता दिया मैंने, इंटू 10 और इंटू एच इंटू 8, वी वी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, मैंने निकाला था ना यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 175 है ना, तो यहाँ पे इसे हमें रखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस 100 इंटू 10 माइनस एच इंटू एच, अब हम यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो होगा वो हो जाएगा 312.5 किलो न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि वर्टिकल शेयर निकालना, हमने ये भी निकाल लिया और ये निकालना है वर्टिकल शेयर, तो वर्टिकल शेयर फ्रेंड्स, वर्टिकल शेयर निकालने के लिए जो मेन हमारा फार्मूला है वो है वी इक्वल टू वी ए माइनस डब्ल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये वी क्या है, वर्टिकल शेयर फोर्स है। ठीक है, और वी ए हमारा क्या है, हमने निकाल रखा है रिएक्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा, वी ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ये है फ्रेंड्स 325 है माइनस डब्ल्यू है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये लेफ्ट पोर्शन पे ही हमें निकालना है, डी पॉइंट है लेफ्ट पोर्शन पे, इसलिए यहाँ पे जो हमारा लोड है जो यूडियल है उसको वो सेंटर पे लगेगा हमारा, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से रिएक्शन से 10 होगी, तो इसलिए 10 हमने कर दिया इक्वल टू में 0, तो हमारे ये कितना आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा 125 किलो न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ये हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप ये है, हमारे पास फ्रेंड्स वर्टिकल शियर भी हो गया, यानी कि वी भी निकाल लिया हमने, एच भी निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल थ्रस्ट होता है उसका फार्मूला ये होता है फ्रेंड्स, वी साइन थीटा प्लस एच कोस थीटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, वी की वैल्यू फ्रेंड्स हमारा ये है 125 साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रहा थीटा हमारा, ये रहा 20 प्लस एच की वैल्यू ये हमारा ये है 312.5 किलो न्यूटन, तो हमारा ये आ जाएगा फ्रेंड्स 43.10 प्लस 293.33 इक्वल टू में हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 336.43 किलो न्यूटन। फ्रेंड्स, ये हमारा नॉर्मल थ्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल थ्रस्ट हो जाएगा एन।
अब फ्रेंड्स हम निकालेंगे, हमें निकालना है नॉर्मल थ्रस्ट निकल गया, रेडियल थ्रस्ट ठीक है फ्रेंड्स। रेडियल थ्रस्ट को डिनोट करते हैं हम क्यू से, तो ये हमारा ये होता है क्यू इक्वल टू होता है बी कोस थीटा माइनस एच साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, साइन थीटा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो ये हमारा हो जाएगा 125 कोस 20.17 माइनस एच कितना है हमारा 312.5 साइन 20.17, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो जाएगा 125 कोस 20.17, ये हमारा आ गया 117.33 माइनस 312.5 साइन 20.17, ये हमारा हो जाएगा 7.75, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये हो गया 9.57 किलोन्यूटन फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया रेडियल सीयर थ्रस्ट। तो सो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी चीज़ इसमें यहाँ पर समझ में नहीं आई होगी, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दिखाऊंगा। ये हमारा रेडियल सीयर निकल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।